कहानी की शुरुआत होती है बिली नाम के एक विजेल से, जो अपने बेस्ट फ्रेंड सोक्रेटिस नाम के एक लायन के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ हाइना पोप मिलता है, जिसे वो एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ बोनी आती है और उसे कहती है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था, पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है। वहाँ उस जंगल की क्वीन हाथी उनके पास आती है और कहती है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है, जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था, पर पता नहीं इस साल क्या हुआ। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम चार्ल्स नाम के एक चिकन को देखते हैं, जिसे कुछ ही देर में उसका सेफ डिनर में बदलने वाला होता है, पर वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। वो उसके शिप से बाहर कूदकर एक छोटे से बोट में आ जाता है, जहाँ उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं। उन सारे एनिमल्स को इंसानों की वजह से अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था। वो एक ऐसे जगह की तलाश में जा रहे होते हैं जहाँ अभी तक इंसान ना पहुँचे हों। उनमें से एक बूढ़ा टर्टल होता है, जो उन्हें बताता है कि माइग्रेटरी बर्ड से उन्हें पता चला है कि यहाँ से कुछ दूर सेवेना नाम का एक जगह है जहाँ अभी तक इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं। चार्ल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सबको उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा। इधर सेवेना की क्वीन सबसे कह रही होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खत्म हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगभग सूख चुके हैं, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। चार्ल्स और उसकी टीम भी सेवेना की खोज करते हुए उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। बिली पानी की तलाश में आगे बढ़ रहा था, उसे अपनी फैमिली के लिए पानी लेकर जाना था। वहीं कुछ दूर पे बफेलो और राइनो का ग्रुप आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ रहे होते हैं। उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए बिली सीधा वहाँ के तालाब से अपने बॉटल में पानी भरने लगता है। जब उस पर राइनो और बफेलो की नज़र पड़ती है तो वो गुस्से से उसे घूरते हैं। इधर बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था। तभी वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बफेलो का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। जूनियर खुश हो जाता है कि उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते हुए भी उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं, पर उन बफेलो की वजह से बिली का सारा पानी बह जाता है। जूनियर के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बहुत उदास हो जाता है। उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है, पर वो बहुत गुस्से में होता है और वो बिली से कह देता है कि आज से वो उसका डैड नहीं है। बिली दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। बोनी जूनियर से कहती है कि उसे अपने डैड से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर वो कहता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी, उसे अकेला छोड़ दे। बिली अपने दोस्त सोक्रेटिस के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके साथ पानी की तलाश में जाना होगा, क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की ज़रूरत है और उसे अपने बेटे जूनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूज़र नहीं है। सोक्रेटिस उससे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो यहाँ बहुत खुश है। बिली अकेले ही जाने लगता है। सोक्रेटिस उससे बताता है कि जब तुम रिवर बेड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें वैली ऑफ डेथ को पार करना होगा। ये सुनकर बिली बहुत डर जाता है। वो उससे पूछता है कि ये वैली ऑफ डेथ क्या है। सोक्रेटिस उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था। वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है, जो वहाँ आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवाह है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता। कुछ देर बाद सोक्रेटिस देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है। बिली अपनी तलाश में आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद वो वैली के गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं, जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं, पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है। वो जगह उसे बहुत ही डरावना लग रहा होता है। तभी कुछ देर बाद उसे कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि सोक्रेटिस था वहाँ पे। उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है। वो लोग जल्दी से भागकर उस वैली को पार करने लगते हैं, पर कुछ देर बाद ही बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाई देता है, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है। वो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी वो अपने पीछे देखता है, वहाँ बड़ा सा एक पोलर बियर था, जिसकी डर की वजह से वो तेंदुआ भागा था। सोक्रेटिस भी वहाँ आ जाता है। वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बाकी टीम से मिलते हैं। रात को वो सब वहीं आराम करते हैं। वहाँ सोक्रेटिस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था, पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया। उसने उस दिन वहाँ एक अलग क्रिएचर को देखा, जिसे इंसान कहते हैं। सुबह चाल सबको उठाता है। वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। चार्ल्स अपने दो एनिमल टॉबी और स्माइली को बिली के साथ पानी ढूंढने के लिए भेजता है, और वो उन दोनों टर्टल के साथ बियर के साथ ही रहेगा। वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुँच जाते हैं। उन सबको वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है। उसी डैम की वजह से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था। वो सब छुपते हुए डैम के ऊपर जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि नदी का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है।
वहीं डैम के पास एक ईडन पैराडाइज नाम का होटल था, जहां आज बहुत से देश के लोग क्लाइमेट चेंज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे। उस होटल का मालिक वहां आए हुए डेलीगेट्स को अपने होटल में अपना पालतू मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है। इधर एक वाटर बोट के सहारे वो चारों एनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं। वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं। बिली और सोक्रेटिस वहां के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। वो तुरंत होटल के ऑनर को कॉल करते हैं। ऑनर वहां का हंटर को आवाज देता है। हंटर अपनी बंदूक लेकर वहां आता है और बिली को शूट करने लगता है। बिली उससे बचने के लिए वहां के पूल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहां का इजेक्शन बटन दबा देता है, जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है। पर वहां उसे टोटो बचा लेता है। टोटो उन सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें छुपा देता है, पर वो सारे मिलकर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। टोटो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करने से वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। बिली उससे कहता है कि वो लोग यहाँ छुपे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली के लिए पानी लेके जाना है। टोटो उनसे कहता है कि उन्हें डैम के फ्लड गेट्स को खोलना होगा, जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा। टोटो उन सबको लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है। बिली फ्लड गेट्स को खोलने की कोशिश करने लगता है, तभी वहां वो हंटर आता है और सोक्रेटिस को शूट करके बेहोश कर देता है। बिली से वहां का एक बटन दब जाता है, जिसकी वजह से फ्लड गेट्स खुलने लगता है और वो भी उसमें गिरकर बहने लगता है, और उसमें बहकर वो वहां से बाहर निकल जाता है। टोबी और स्माइली भी उसके थ्रू ही बाहर आ जाते हैं। वो हंटर जल्दी से फ्लड गेट को बंद करता है और उन सबको मारने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है। वो सब भागने लगते हैं। वो अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है, पर चार्ल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलट देता है। सोक्रेटिस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। वो उसे लास वेगास के किसी जू को बेचने वाले थे। चार्ल्स वहां के बाकी सभी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सभी एनिमल से जाकर बात करनी चाहिए और उन सबको यहाँ बुलाकर इस डैम को तोड़ देना चाहिए। वो सब वापस से सेवेना जाते हैं और सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है, और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। और अगले दिन हम बहुत से जानवरों के झुंड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, पर उनके साथ बफेलो और राइनो का ग्रुप नहीं था, क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं। वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुंच चुके थे, तभी वो हंटर एक प्लेन में बैठकर वहां आता है। वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है। वो उसे मारने लगता है और गलती से बटन दबने की वजह से वो मिसाइल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है, पर वो फटती नहीं है। टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है। उस होटल के मालिक का बेटा माया सोक्रेटिस को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है, और इधर चार्ल्स अपने एनिमल्स को डैम पे अटैक करने को कहता है। सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि बफेलो और राइनो की टीम उनकी मदद के लिए आई है। वो सारे उस डैम को तोड़ने लगते हैं। डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था, पर इतना काफी नहीं था। तभी बिली को वहां एक हाइना पूप दिखाई देता है। वो तुरंत एक लकड़ी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही शॉट मारता है, और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है। डैम अब टूटने लगता है, उसमें से पानी की फुहारें आने लगती है और फाइनली पूरा डैम टूट जाता है। सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। सोक्रेटिस भी बिली के पास आ चुका था, और उस दिन के बाद सेवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई। सारे जानवर वहां खुशी खुशी रहने लगे। माया और उसके डैड भी ये देखकर खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।